साथ इस वक्त एक समाजी वर्कर हैं जिनको आप सब जानते हैं और ख्वातीन के लिए, माइनॉरिटी राइट्स के लिए, बच्चों के हकूक़ के लिए, तमाम तरह के राइट बेस्ड जितनी भी बातचीत है उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया है। और हमारे साथ सफीना जावेद मैडम है। मैम थैंक यू सो मच। ये आज हम लेबर डे पर जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं आपका, हमने बहुत सारे पूरी जो आप लोगों की रिकमेंडेशन थी, जो हमारे मुतालबात हैं पाकिस्तानी लोग होते हुए और दुनिया में भी लेबर के कवानीन के लिए हम जो आवाज़ उठा रहे हैं उस पर मैंने सारे जो नकात हैं वो पढ़े हैं बाकायदा। आप आज के प्रोटेस्ट के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूँगी कि एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन के यहाँ पे मौजूद है जो इस बात की ज़मानत देती है कि ख़वातीन, मज़दूर, पुअर जितने हैं वो सब परेशान हैं और वो ये चाहते हैं कि उसमें तब्दीली हो। तो इसीलिए आज यहाँ पे औरत मार्च की तरफ से, जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से हम एक या प्रेस क्लब पे जमा हुए ताकि अपने मुतालबात कर सके और अपनी सूरत हाल को बयान कर सके, क्योंकि हमारी हुकूमत के कानों में कुछ भी नहीं रेंग रहा। हमारे सबसे बड़ी डिमांड ये है कि कम से कम उजरत दी जाए ताकि जो लोग हैं वो खुदकशियाँ ना करें और अपने बच्चों को बहुत सही तरीके से उनकी परवरिश कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ आयरीन भी हैं और आयरीन आज के प्रोटेस्ट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मज़दूरों के आलमी दिन के हवाले से मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगाई है और इस महंगाई की वजह से बहुत सारे लोग मुश्किलात का शिकार हो गए। अब जो मज़दूर तबका था वो बिल्कुल ही पिस गया है। तो हमारी हुकूमत से भी और तमाम देखने वाले जितने भी इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उन पर रहम किया जाए और कुछ सामान को सस्ता किया जाए ताकि वो अपने बच्चों को खिला सकें। और आज का ये सारा जमा होना ये इसी बात का सबूत है कि सारे लोग मुश्किल में हैं। सिर्फ मजदूर तबका नहीं, जितने भी रोज़गार हासिल करने वाले लोग थे अब वो बहुत मुश्किल में हैं, तो उनकी मदद की जाए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।